रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में। मम्मी क्या हुआ मम्मी, आपको लगी कैसे? सृष्टि अपनी समझ पूरी तरह से खो चुकी है, उसे हकीकत की दुनिया में लाना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा तुझे रोकती रही, मेरे संस्कार तेरे पैरों की बेड़ियां बने हुए थे। आज हम तुझे कह रहे हैं कि तू सृष्टि का वो हाल करना कि हर वो बेटी जो कुछ गलत करने की सोचे, हर वो बहन जो अपनी बहन का हक मारने की सोचे, हर वो लड़की जो गलत सोच रखे, वो सृष्टि का हाल देखकर उन सबकी रूह कांप जाए। भैया हमारी रक्षा की तैयारी कीजिए। कल होगी। तू सच कह रहा? हम ये शादी नहीं करना चाहते। अंकल जी हमें गलत मत समझना, लेकिन हम ध्रुव जी से शादी नहीं कर सकते। सृष्टि बेटा ये क्या कह रही हो तुम? क्या शादी क्यों नहीं करना चाहती? दिक्कत क्या तुम्हारी? ये हमारी दिक्कत, आपका गुस्सा। अगर ये हमें लगता है कि आप बस सारे को दिखाने के लिए हमसे शादी करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी छोटी बहन गिरी हुई हरकत कर सकती, लेकिन हम नहीं। देखो सृष्टि, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप साबित कीजिए कि आप धानी से बदला निकालने के लिए हमसे शादी नहीं कर रहे, अब वाकई हमसे शादी करना चाहते, फिर हम मान जाएंगे। देखो सृष्टि, धानी की हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है, ना तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है इस वक्त और ना ही कभी बनेगी, समझी? ये कैसे बोल रहा है तू? यही बात थोड़े शांति से प्यार से नहीं कर सकता था क्या? इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? मारो जो गुस्सा है धानी के लिए है, सृष्टि के लिए नहीं है। अगर उसके बावजूद भी आप सबको हम पे यकीन नहीं हो रहा तो ठीक है, हम विश्वास दिलाते हैं आपको। बटुआ ध्रुव नहीं, अरे क्या पागलपन है यार। नहीं ध्रुव, कोई भी आगे नहीं आएगा। नहीं, अब शायद इसके बाद आप सबको यकीन हो जाए। Please,
क्या बात है धानी, डर नहीं गई तू? अमित लगा हमें ऐसे देख के चौंक जाएगी। वैसे मुझे एक बात बता, थक नहीं जाती है? महानता का नाटक करते करते। खैर क्या है ना, एक बात बता रही, ये देख देख, ध्रुव वैश्य सृष्टि कल हमारी और ध्रुव जी की परीक्षा है, और पता है दानी, इस बार हमसे यहां करवाने के लिए ध्रुव जी ने जान देने की कोशिश की थी। भाई अब तो हमारी शादी होने वाली है, तो हमारे घर वालों को तो आना ही होगा ना, जब तक हमारी प्यारी बहन हमारी शादी में नाचेगी नहीं, हमारी प्यारी मम्मी हमें प्यार से सजाएगी नहीं, हमारी शादी पूरी कैसे होगी भला? जो शादी पहले होनी चाहिए थी वो अब होगी। कि हमने ही तुझे सबक सिखाने के लिए कहा, मार डाली से धानी। धानी धानी क्या हरकत है? कोई हरकत नहीं है, बल्कि तुमने जो माता रानी के साथ किया, उन्हें जो चोट पहुंचाई, बस उसी का स्वाद चखा रहे। और हाँ, शादी में इनवाइट करने आई हो ना तुम, अब इतने प्यार से इनवाइट किया है तो आएंगे कैसे नहीं हम? तुम्हारी सारी रस्में भी तो निभानी है हम। वैसे मम्मी हमें लगता है कि दीदी हमारे बिना रह ही नहीं सकती, तभी तो बार बार चली आती है यहाँ हमें उकसाने के लिए। ये आपके अंदर का प्यार है हमारे लिए, ये छुपा हुआ डर? खैर अब जब आपने हमें अपनी शादी में इनवाइट किया ही है, जरूर आएंगे और देखेंगे कि आखिर ये शादी होती कैसे। तुम्हारा भविष्य रख, तुम्हें शादी करनी है ना, करो धूमधाम से करो, मगर एक चीज याद रखना, आग लगेगी। हमें नींद बहुत आ रही है और फालतू का वक्त नहीं है हमारे पास।
तूने सृष्टि को चुनौती तो दे दी, अब तू करेगी क्या? अपने प्यार की परीक्षा लेंगे मम्मी। हमें पूरा यकीन है कि ध्रुव जी के दिल में अभी भी हमारे लिए प्यार है, उस पर बस गलतफहमी की परत चढ़ गई जिसे हम मिटा कर रहेंगे। लेकिन अगर तू हार गई तो हमें अपने भगवान पर पूरा भरोसा है और हमारा प्यार, हमारी शक्ति हमें हारने नहीं देगा। वो वक्त जरूर लग रहा है माँ, लेकिन सबकी आंखों पर ये जो गलत फहमी की पट्टी पड़ी हुई है ना, इसे हम बहुत जल्द हटा देंगे। एक औरत के लिए अपने सुहाग से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता, और हम अपने सुहाग पर किसी की काली नजर पड़ने नहीं देंगे। क्योंकि ना ही हमारा रिश्ता कागज पर जुड़ा था और ना ही उस पर टूट सकता है। हमें अपने भगवान और अपने प्यार पर पूरा यकीन है। अब से इस रिश्ते की तकदीर को हम लिखेंगे। आपको तलाक नहीं देंगे हम, और ना ही आपकी शादी कभी दीदी से होने देंगे। जिस रिश्ते को इतने मेहनत से बनाया है हमने, उसे एक झटके में टूटने नहीं दे सकते। हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर किस में ज्यादा ताकत है, आपकी नफरत में या हमारे प्यार में। तुम्हारी हर याद, हर चीज मिटा दी हमने इस घर से। कोई पहचान नहीं है तुम्हारी, यक्ष ने तुम्हारा यहां, फिर भी न जाने क्यों तुम्हारे दिमाग से नहीं जा रही हो। क्योंकि आप हमसे अब भी प्यार करते हैं। नफरत करते हम तुमसे दानी। नहीं ध्रुव जी, आप हमसे सिर्फ प्यार करते हैं और इसीलिए शादी नहीं करेंगे आप। हम ये शादी करेंगे तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी बहन से शादी करेंगे हम। इस हालत में खुद को चोट पहुंचाकर आपके लिए ये शादी इतनी मुश्किल होती जा रही है कि आपके लिए खुद को मारना ज्यादा आसान हो रहा है। मरोगी तुम धानी, जान तुम्हारी जाएगी जब हम तुम्हारी बहन सृष्टि से शादी करेंगे। ये शादी तो आप कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अब भी हमसे प्यार करते हैं। अब आपका यही गुस्सा आपको शादी करने नहीं देगा, कभी नहीं। ऐसा है बच्चा, खुशी का मौका है, सच आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके आगे पूरा जिंदगी है ना, आपको जीना है। बात यह है, ध्रुव जो है ये हमारा बिटवा है, तो हम इसे आपसे बेहतर जानता हूं। हमें ऐसा लगता है कि ध्रुव और धानी का ये जो बीच में मनमुटाव चल रहा है, कि ध्रुव अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है और धानी को कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है। हमें ऐसा लगता है, देखिएगा हम गलत भी हो सकता हूं, लेकिन चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए और दो पाठन के बीच में साबुत बचाना कोए,
अर्थात उदो पाठन ध्रुव और धानी के बीच में आप पिस नहीं जाना। आपका जिंदगी खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको सोच समझ के कदम उठाना है। पापा लेकिन सॉरी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप गलत समझते हैं। देखिए हम जानते हैं रूप जी हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि रूप जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो धानी की वजह से नहीं कर रहे, वो वाकई हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और पापा इसीलिए वो सब कुछ कर रहे हैं। और रही बात हमारी जिंदगी बर्बाद होने की, शादी का फैसला आप सबने लिया था और इसीलिए आप सबकी खुशी के लिए हमें ये भी मंजूर है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। जजमान, परीक्षा की रस्म में लड़की नहीं आती, इसके लिए ये अंतरपट लगा दिया है। एक बार लड़के की परीक्षा हो जाए फिर लड़की के साथ में शगुन की रस्म शुरू करेंगे। सत्यवचन पंडितवा, आप जो करेंगे वही फाइनल है। देखिए वैसे तो परीक्षा की रस्म लड़की वाले करते हैं, बाकी आप बताइए कौन करेगा। लड़की की माँ करेगी परीक्षा। लेकिन हम अकेले नहीं आए, लड़की की बहन आई है हमारे साथ। अब तो लग जाए थक से, अब क्या तमाशा करने आई हो यहाँ? आप इस परिवार का हिस्सा है और भरक्षा में आप भी शामिल होंगे। आई लेकिन ये लड़की यहां नहीं रहेगी। हम क्यों नहीं रुक सकते? कल आपकी होने वाली बीवी हमारे घर आई थी न्योता देने, कह रही थी कि परिवार को आना होगा वरना शादी कैसे होगी। आपने बताया नहीं इन्हें? क्या यह सच है कि तुमने धानी को न्योता दिया था? कुछ पूछ रहे हैं तुम चांद? हाँ ध्रुव जी, हम क्या करते? हमारे घर वाले हैं, इनके अलावा हमारा कोई नहीं। लेकिन हमने सिर्फ मम्मी को बुलाया था, धानी को नहीं।
ये तो ऐसे ही आ गए। सच कह रहे। सुन लिया तुमने? तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया था यहां पर। अब निकलो यहां से। हमारे यहाँ रहने से इतनी तकलीफ क्यों है आपको? आप कीजिए पूजा, हम यहीं खड़े खड़े देखेंगे, शादी ब्याह के काम में हाथ बटा लेंगे बस। वैसे आपके और हमारे बीच कभी प्यार तो था ना, इसी बहाने इस प्यार को खत्म तो करने दीजिए। अपनी नौटंकी बंद करो धानी, तुम इस परीक्षा का हिस्सा नहीं बनोगी, बात खत्म। ये लड़की नौटंकी किए बिना यहाँ से जाएगी नहीं, तमाशा करने की आदत पड़ गई है इसे। हमें पता है रूपा ये कैसे जाएगी, हम दोनों मिलकर इसे यहाँ से बाहर निकालते हैं। चल निकल यहाँ, चलो निकलो हमारे घर से। वादा है महाराज ध्रुव जी, अगले 10 मिनट में वृक्षा रोक के दिखाएंगे।